जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा पार्थ सारथी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नेताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर षड् श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जाए प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सारी गौर भक्त वृंद की जाए श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जाए गंगा माई की जाए यमुना माई की जाए वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय समवेद भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 19। नूनां दैवेन विहितः ये च अच्युत कथा सुधा हेत्वा शृण्वन्ति असद्गाथः पुरिशान् इव विट्भुजः। नूनं देवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधां हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथः पुरिशम् इव विड्भुजः। नूनं देवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधां हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथः पुरिशम् इव विड्भुजः। नूनं देवेन विहिता ये चाच्युत कथा सुधां हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथः पुरिशम् इव विड्भुजः। माताएं माताएं नूनं निश्चय ही दैवेन भगवान की आज्ञा से विहिता ये विहिता निंदित ये जो च भी अच्युत अमोघ भगवान की कथा कहानियां सुधाम
अमृत हेत्वा त्याग कर श्रीणवंती सुनते हैं असदघातः भौतिकवादी पुरुषों की कहानियां पूरीशाम मल इवा सहस सदृश वेटभुजहा विष्टा भोजी शुकर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना विष्टा भोजी शुकरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को ना सुनकर भौतिकवादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धनवान हो, या उपन्यासों में वर्णित काल्पनिक पात्र हो। ऐसा तमाम व्यर्थ साहित्य कहानियां तथा दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब उनके सामने भगवद गीता, श्रीमद भागवत, विश्व पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र तथा बाइबल या कुरान आते हैं, तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति भगवान के आदेशों शास्त्रों द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह शूकर होता है। शूकर मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी अथवा दूध का बना हुआ कोई उत्तम पकवान दे दिया जाए तो वह उसे पसंद नहीं करेगा। वह दुर्गंधमय विष्ठा मल को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकवादी मनुष्य इसलिए निंद माने जाते हैं क्योंकि वे दिव्य कार्यकलापों में रुचि ना रखकर नारकीय कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। भगवान के कार्यकलापों का संदेश अमृत है, इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी वास्तव में नारकीय है। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The translation में एक बार इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। Such persons are condemned by the supreme order of the Lord because they are averse to the nectar of the activities of the supreme personality of Godhead. They are compared to stool-eating hogs. They give up hearing the transcendental activities of the Lord and indulge in hearing of the abominable activities of materialistic persons. So, Srila Prabhupada ji ne tatpare, bahut sundar tatpare diya hai. Aur pichle ek shlok ke tatpare mein Srila Prabhupada ji bata rahe hain कि यहां पर इन छह श्लोकों में ये वर्णन किया जा रहा है कि जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं उनकी वर्षना की जा रही। भगवान कपिल देव के द्वारा माता देवहूति वो शिक्षा दे रहे हैं और अध्याय का शीर्षक है कर्म बंधन। तो इंद्र तृप्ति में जो आसक्त लोग हैं, जो मेटेरियली इंक्लाइंड है या मेटेरियली एनग्रॉस्ड है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही केवल रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे नॉवल्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। और कुछ लोग तो इतनी रुचि रखते हैं इन बातों में कि हिस्टोरिकल लिटरेचर्स भी पढ़ते हैं, नेपोलियन के बारे में, हिटलर के बारे में, मुसोलिनी के बारे में, या बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं हमारे विश्व के इतिहास में, भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में, इन सब के बारे में पढ़ने में बड़ी रुचि रखते हैं। और लगता है इन सब के बारे में पढ़ना ही ये क्या है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। भौतिकवादियों के बारे में जानना है, बहुत बड़ी शिक्षा है। इन नेताओं और अभिनेताओं के बारे में जानना कितनी बड़ी शिक्षा है, कितना बड़ा ज्ञान है जो हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। और यहां श्रीमद् भागवत में ये बताया जा रहा है कि ऐसे लोग वास्तव में कैसे हैं,
मल खाने वाले सुअर के समान है। वो वास्तव में सुअर क्या करता है, मल ही खाता है। हमने देखा कुरुक्षेत्र में लाइव, देखा लाइव टेलीकास्ट लाइव, हमने वहां पे एक दृश्य देखा कि एक सुअर यूरिन पास कर रहा है और दूसरा सुअर जो है पीछे खड़ा हुआ वो यूरिन पी रहा है। यानी एक सुअर जो है मल त्यागता है, मलमूत्र त्यागता है, और दूसरा सुअर पीछे खड़ा हुआ उसी सुअर का क्या कर रहा है, मलमूत्र खा रहा है या पी रहा है मूत्र। तो यही है वास्तव में भौतिकवादियों का सुख। यानी कि एक भौतिकवादी जो है भौतिक ज्ञान देता है और दूसरा भौतिकवादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति में जो लगा हुआ है वो इस ज्ञान को प्राप्त करके सोचता है कि मैं कितना आनंद ले रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे इसमें। नहीं, और ऐसे लोगों का गुणगान भी किया जाता है भरी सभा में, ऐसे लोगों को नोबल प्राइज दिया जाता है, उनको बड़े बड़े उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। कितने दुख की बात है, उष्ट्र खरई समसुता पुरुष पशु, भागवत में लिखा गया है ऐसे लोगों की तुलना पशुओं से की गई है। और पशु ही है, दूसरे पशु जैसे एक जंगल में एक अगर शेर को सारे पशु मिलकर उसका गुणगान करें तो वो शेर जो है वो मनुष्य नहीं बन जाता है, कोई देवता नहीं बन जाता है, वो शेर फिर भी पशु रहता है क्योंकि अन्य पशुओं के द्वारा सम्मानित है, तो इसलिए वो फिर भी पशुओं के समाज में रहता है। और यही हो रहा है वास्तव में। और इस भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। हमारे युवा पीढ़ी के सदस्य हैं, खासकर हमारे जो बच्चे हैं आधुनिक समाज में, जो स्कूल्स में पाठशालाओं में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सारी किताबें ढूंढनी पड़ती हैं उनको अपने साथ ले जाने के लिए। और आजकल तो सबके पास लैपटॉप भी है, सारी ई बुक्स भी हैं, हर किताब का एक सॉफ्ट कॉपी भी है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना धन खर्चा करना पड़ता है। हम ऐसे ऐसे कॉलेजेस में गए जहां हम लोग भगवद गीता के लिए गए थे और एक एक स्टूडेंट वहां पे कितना दे रहा है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे रहा है एनम, एक साल में एक बार उसका जो फीस है कम से कम 2 लाख रुपया है। क्या करने के लिए, वहां जाकर नशा करने के लिए, वहां जाकर क्या करने के लिए, ड्रिंक्स यानी कि लिकर पीने के लिए, अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए हर साल 2 लाख रुपया देते हैं। हार्ड अर्न मनी यानी जो माता पिता जो कमाते हैं वो पैसा दिया जाता है इन कॉलेजेस में ताकि हमारे बच्चे जो हैं सोफिस्टिकेटेड पशु बने। कितने दुख की बात है देखिए। और इसको हम कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन, कहते हैं कि बहुत डेवलप्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत एडवांस्ड है। किस चीज के लिए, ताकि हम और अच्छे पशु बन सके। कितने बड़े दुख की बात है। और इसके लिए अलग अलग डिग्रीज दी जाती है अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अलग अलग मैनेजमेंट कॉलेजेस में। हमारे विद्यार्थी जाके पढ़ते हैं क्या, केवल वहां पर 4 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और 4 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशु समाज में बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितनी बड़ी बात है देखिए। बंदरों को पढ़ना नहीं पड़ता है बहुत सारे बच्चा पैदा करने के लिए। सुअर को मल त्यागने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भौतिक विद्या की तालीम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी बड़े ये सुअर, ये पशु, ये जानवर, ये बंदर, ये शेर, ये कुत्ते, ये बड़ी आसानी से मलमूत्र त्यागते हैं। लेकिन मनुष्य समाज में हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, भौतिक विद्या भौतिक तालीम प्राप्त करते हैं, क्या केवल मलमूत्र त्यागने के लिए। कितने दुख की बात है देखिए। इसलिए एक बार मल, एक गुरु ने कहा शिष्य को, जाओ देख के आओ सबसे तुमसे अधिक कोई व्यक्ति है जो अदम हो। तो उसने देखा बहुत सारे अदम लोग हैं, बहुत सारे उससे निकृष्ट लोग हैं। उसने कहा कि देखो मल में जो पड़ा हुआ कीड़ा है ये तो मुझसे भी अधिक मल गिरा हुआ है, कितना निकृष्ट है ये मल और ये मल में पड़ा हुआ कीड़ा। तो कीड़ा तो उस व्यक्ति को दोष दे रहा है कि तुम्हारे कारण जो है इस मल में जो है मैं पड़ा हुआ हूं, और मल भी जो आखिर में जो है उस व्यक्ति को दोष दे रहा है, व्यक्ति को उस इल्जाम लगा रहा है कि तुम्हारे कारण मेरी ये हालत हुई है, तुमने खाई गोभी शाही पनीर और पता नहीं क्या का रस मलाई खाया और इस कारण से मेरी ये हालत हुई है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इतनी बुरी दशा है, दुर्दशा जिसको कह सकते हैं मानव समाज। और अधिक और भी ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर धार्मिक ग्रंथ बांट रहे हैं, वैदिक शास्त्रों का वितरण कर रहे हैं, अपना रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोली है, इनके भीतर से कोई और बोल रहा है।
या भगवान निराकार है, या भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि भीतर से शिव जी बोल रहे हैं, ऐसी तरह तरह की धारणा है। और ऐसे गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है, और ऐसे गीता प्रचार के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक दुर्भाग्य की बात है कि इसी वैष्णव संप्रदाय को कोई भक्ति नजर नहीं आता है। अधिकांश लोग कौन बैठे हुए हैं, मायावादी बैठे हुए हैं, छायावादी बैठे हैं, भौतिकवादी बैठे हुए हैं, और वो भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिनका कोई अधिकार ही नहीं पड़ता है भगवत गीता के ऊपर, और भगवत गीता का अपना अपना भाष्य दे रहे हैं, अपने अपने तात्पर्य दे रहे हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता ऐसे सम्मेलन में, ऐसे समारोह में। तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये उन सुअरों की तरह ही हैं जो वास्तव में क्या करते हैं, मल खाते हैं और मल त्यागते हैं। कितने बड़े दुख की बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे आंखें खोल दी हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए कहा कि जब तक इन ग्रंथों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही हैं ऐसे जो पूरे मानव समाज के लिए क्या है, एक अनमोल धन है। अगर प्रभुपाद जी इन ग्रंथों को नहीं छापते, इनका प्रकाशन नहीं होता और इनका वितरण नहीं होता, हम सभी जो है इस अंधकार में फंसे रहते हैं, और हम सभी इनके माया के जाल में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। ये कितनी दुखी बात। इसलिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा जो योगदान दिया है, ये बहुत बड़ा योगदान है पूरे मानव समाज के लिए। पिछले हम चर्चा कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि नहीं, भगवद गीता जो है ये केवल वृद्ध लोगों के लिए है। याद है आपको हमने चर्चा की थी, वो बात पूरी नहीं हुई थी। तो प्रभुपाद से भी एक बार पूछा था किसी ने कि प्रभुपाद ये जो भगवद गीता है स्वामी जी, ये भगवद गीता तो वृद्ध लोगों के लिए। प्रभुपाद जी ने गीता दिखाई, ये गीता तो नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, समझ लीजिए भगवद गीता है। तो भगवद गीता श्रील प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को दिखाई और कहा कि देखो ये किन का चित्र है इस भगवद गीता के फ्रंट पेज में। उन्होंने कहा ये तो कृष्ण और अर्जुन का है। क्या लगता है आपको, ये दोनों बूढ़े हैं या जवान है? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जो डायलॉग है गीता का, दो युवाओं के बीच में है। ये दो युवाओं के बीच में है, इसलिए ये वास्तव में भगवद गीता उन लोगों के लिए है जो वास्तव में युवक है, और साथ में जो हृदय से युवक है, यानी कि जो कृष्ण भावना भावित है, वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं। तरह तरह के विचार हैं लोगों के, तरह तरह की धारणा है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो मेरा ये विराट रूप, तुम्हारे अतिरिक्त सारे के सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, तुम पांच पांडवों के अतिरिक्त कोई नहीं बचेगा इस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। भगवान गीता में बता रहे हैं विराट रूप दिखाते हुए, और भगवान अर्जुन को ये भी कह रहे हैं निमित्त मात्र भव सब शाचिन, तुम निमित्त मात्र बनो, ये युद्ध तो तुम जीत चुके हो हे अर्जुन, पांडव विजयी होंगे इसमें कोई संशय नहीं है। इसी तरह से ग्रंथ बढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में एक पार्क में बैठे थे तो एक व्यक्ति ने आके प्रभुपाद के पास बैठ गया। वो प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था उस समय, कोई टेम्पल नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई बुक्स नहीं। तो प्रभुपाद से कहते हैं कि स्वामी जी आप इंडिया से आए हैं, आप क्या, आपका क्या योजना क्या है, आपका क्या प्लानिंग है, किस लिए आए हैं आप, आपके पास लगता है कुछ है नहीं? प्रभुपाद ने कहा हमारे पास बहुत कुछ है। क्या कह रहे हो आप, हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, केवल समय ही हमें इंतजार कर रहा है, केवल समय की बात है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे, सब देखेंगे। और प्रभुपाद ने दिखाया। इसलिए इसी तरह से ग्रंथ तो बढ़ चुके हैं, हर घर में भगवद गीता है श्रील प्रभुपाद जी की, हर घर में श्रील प्रभुपाद की सारी बुक्स हैं, लेकिन केवल समय ही दूर कर रहा है। और कुछ समय के आप देखेंगे भक्तों के माध्यम से सभी घरों में, भारतवर्ष में, विश्व भर में, सभी घरों में आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को देखेंगे। इसलिए कोई बच नहीं सकता है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं महाप्रभु जब कृपा करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, से चैतन्य महाप्रभु सबको ये। और फिर भी कुछ लोग ऐसे बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े चुपके से वो निकल जाते हैं, महाप्रभु के चुंगल से निकलने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन महाप्रभु किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए तो प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो 10,000 सन्यासी थे उनका भी उद्धार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो सब बच के निकल रहे थे महाप्रभु के चुंगल से। तो ऐसे कई मायावादी, ऐसे कई दार्शनिक, ऐसे कई राजनीतिक, ऐसे कई वैज्ञानिक, ऐसे कई उद्योगपति, ऐसे कई तर्कवादी, ऐसे कई तर्कशास्त्री बचने का प्रयास करते हैं भगवद गीता के सिद्धांत से, लेकिन हमारे भक्त उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भक्तों की बड़ी विशेष कृपा है।
कुछ लोग कहते हैं अरे आप बहुत फोर्स कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अरे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑपरेशन जब करना पड़ता है तो कितना काट छाट होता है, चीर फाड़ होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको चेक देते हैं और बोलते हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? मेरा पेट फाड़ा इसलिए, मेरा हार्ट सर्जरी किया इसलिए, या मेरा गर्दन काटा इसलिए, मैं इसलिए उसको चेक दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर का कंपैशन है, डॉक्टर की कृपा है उस पेशेंट के ऊपर। पेशेंट ये समझता है कि हाँ मैं जब तक ऑपरेशन नहीं कराऊंगा मैं ठीक नहीं होऊंगा। इसलिए साधु की जो वाणी है, संतों की जो वाणी है, ये अज्ञानता को काटने के लिए बहुत भारी अस्त्र है। और जब ऐसे अस्त्रों का उपयोग किया जाता है भक्तों के द्वारा तो नेचुरली इन भौतिकवादियों को बड़ा दुख होता है, उनको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि भौतिक आसक्ति जितनी अधिक होगी उतना कष्ट हमें होगा। आशा ही निराशा का कारण है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि नाव जो लंगर से बंधी हुई है नदी के तट पर ही खड़ी है और बारात वहीं पे खड़ी रही पूरी रात, नाव आगे नहीं गई। तो क्या बोलते हैं, ये लंगर क्या है? अटैचमेंट है, इस भौतिक जगत से अटैचमेंट है। भौतिक जगत से अटैचमेंट का मतलब है इंद्र तृप्ति से अटैचमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन से अटैचमेंट, और कई तरह के अटैचमेंट है। सटल लेवल पर भी है, मेंटल लेवल पर भी अटैचमेंट है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी अटैचमेंट है। इसे कई लोगों का काम ही है कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना, बहुत सारा भौतिक ज्ञान प्राप्त करना, मेटेरियल नॉलेज को एक्यूमुलेट करना। इसे कई डिपार्टमेंट्स खोल दिए हैं नॉलेज के, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और सरकार जो उनको ग्रांट दे रही है हजारों लाखों डॉलर्स उनके ऊपर खर्च कर रही है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वैज्ञानिकों को ग्रांट्स नहीं मिलेगा सरकार से तो ये वैज्ञानिक क्या करेंगे, सड़क पे भीख मांगेंगे। तो जब भीख मांगेंगे तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, हमारे भक्त पहुंच जाएंगे उनके पास ये ग्रंथ लेकर। इनको कहीं ना कहीं तो भौतिक जगत से, इस भौतिक संसार से हताश जरूर होना पड़ेगा इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ग्रंथ तभी कोई पढ़ सकता है जब वो मेटेरियली क्या हो, मिजरेबल सिचुएशन में हो। जब वो ग्रंथों को उठाएगा तो बहुत डीपली इसका स्टडी करेगा, बहुत गहराई से उसका अध्ययन करेगा। एनीवे, ये तो कुछ सीरियस बातें हुई। अब आपको थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाते हैं, हमारे भक्तों का कुछ अनुभव बताते हैं जो हमारे हाल ही में, हमारे जो भक्त हैं मधुसूदन प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी वो जबलपुर गए हैं, हमारे जो ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी शुरू हो गया है। हमारे महाराज ने भी कहा है कि कम से कम हमें 10 बसें स्टार्ट करनी है यहाँ पर। ऑलरेडी हमारे पास 2 बसें एक्टिव हैं और 8 बसों की आवश्यकता है। इस साल हम एक बस और लेने वाले हैं ट्रैवलिंग संकीर्तन, उसमें एक और संकीर्तन पार्टी होगी। तो हमारा टारगेट है कम से कम 10 बसें हों दिल्ली मंदिर की, राधा पाठ साथी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी की कम से कम 10 बसें। तालियां बजाने से नहीं होगा क्योंकि इसमें भक्तों की आवश्यकता है और आप सब भक्तों को इसलिए प्रशिक्षित किया जा रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक एक बस आप सबने लेना है। मायापुर धाम में करीब 10 बसेस हैं और के बाद 100 संकीर्तन ब्रह्मचारी, 100 डिवोटीज हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब देखिए क्या हुआ। अब यहां तो जबलपुर का बता रहे हैं हम, जबलपुर में पिछले 2 दिनों में करीब उन्होंने 1700 भगवद गीता बांट दी है। कोई रथ यात्रा नहीं है, कोई हरिनाम नहीं है वहां, कोई इवेंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई वहां प्रोसेशन नहीं है, और केवल भक्त जो जा रहे हैं सड़क पर जा रहे हैं। हाँ, जबलपुर में हमने सुना है वहां मंदिर बन रहा है तो उसका पूरा एडवांटेज उठा रहे हैं। और कल भी उन्होंने करीब 86,000 रुपीज का बुक्स जो है भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया कल एक दिन में, और परसों भी करीब 80,000 रुपए की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये तो देखिए, जो जितनी शरणागत, जितना शरणागत होगा, जो जितना तपस्या का जीवन बिताएगा, भगवान उतनी कृपा करेंगे। ये यथामाम प्रबद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, यानी कि जितना भगवान कह रहे हैं गीता में, एस यू सरेंडर आई शैल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। तो कोई कष्ट उठाता है, यात्रा करता है, तपस्या करता है, भगवान ये देखते हैं अरे मेरे लिए कितना कष्ट उठा के इतने दूर दूर जा रहा है ग्रंथों को बांटने के लिए, प्रभुपाद जी की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो क्या करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जानते हैं यशोदा क्यों है कृष्ण की माता, क्योंकि शी हैज परचेस एंग्जाइटी फॉर कृष्णा, दैट इज वाई शी इज मदर ऑफ कृष्ण। वो कृष्ण की माता क्यों है, क्योंकि उन्होंने एंग्जाइटी को खरीद लिया है। एंग्जाइटी को खरीदना बहुत जरूरी है, इसे दिन रात हमें परेशान होना पड़ेगा कृष्ण के लिए। भौतिकवादी जो है माया के लिए बहुत परेशान है, दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक गधे की तरह काम करते हैं। हमें एक ऑफिस में गए थे, किसी व्यक्ति से मिले, उसने कहा कि पिछले 8 दिनों से मैं घर नहीं गया हूं, आज शाम को मैं घर जा रहा हूं। 8 दिनों से घर ही नहीं गए और सुबह डेली 4 या 5 बजे वो एक फ्लाइट पकड़ते हैं और किसी ना किसी सिटी जाते हैं अपने बिजनेस के कारण। ये उनका लाइफ है,
और ये लोग क्योंकि मेहनत करते हैं दिन रात सुबह से रात तक, इनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचेगा कि कृष्ण जो है केवल डिवोटीज के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी तपस्या करेगा उसको फल मिलेगा, ये फैक्ट है, ये साइंस है। हिरण्यकश्यप ने 36,000 साल तपस्या किया, उसको फल मिला कि नहीं मिला? उसके अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से जो उसने तपस्या की और जो डिमांड किए उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिला। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली भगवान तो यही करते हैं, उस असुर का, उस राक्षस का उद्धार भी करते हैं ऐसी तपस्या से। तो तपस्या का फल तो मिलेगा, भौतिकवादी करें उनको तपस्या का फल मिलेगा, और भक्त लोग तपस्या करें तो भक्तों को भी तपस्या का फल मिलेगा। भक्तों का तपस्या का फल क्या मिलता है, क्या मिलता है बताइए? तस्मात् शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, है ना? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो तपस्या, दिव्य तपस्या करने से क्या होता है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां पवित्र होती है, हमारी सारी इंद्रियां पवित्र और शुद्ध होती हैं। तो ये भक्त लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो आप सभी जो भक्त लोग प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में कृष्ण जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, आपको आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि भौतिकवादी जब तपस्या करते हैं तो क्या मिलता है उनको, मटेरियल रिएक्शन के बाद मिलता है, राइट? और उसके लिए कई बार उनको नरक भी जाना पड़ता है ऐसी तपस्या से, तपस्या करके नरक भी जाना पड़ता है। क्योंकि पाप कार्य करने के लिए, चार पाप करने के लिए, चार नियम तोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा कमाना पड़ता है, बहुत धन कमाना पड़ता है। क्योंकि ये चार पाप तरह के जो पाप है वो आज के समय में बहुत कीमती हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। और कृष्ण के लिए आप तपस्या करते हैं तो क्या मिलता है आपको बदले में, कृष्ण प्रेम मिलता है, भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यशोदा शी इज मदर ऑफ कृष्णा बिकॉज शी हैज परचेस्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। तो ये टेस्ट है कि हमने कितना एंग्जाइटी लिया है, है ना? और अगर हम सोचे कि नहीं नहीं जब रिजल्ट्स आएगा, जब बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट होगा तभी हम जाएंगे बाहर, ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। कैसे जगल भूरीजन प्रभु बता रहे थे, हम इतनी गीता निकालेंगे, अगर ये सोच के हम जा रहे हैं तो शायद हम निकाल ही ना पाए। अगर कृष्ण को हम सभी कारणों का कारण मान लेते हैं और अपने आप को निमित्त मान लेते हैं और ये सोच के जाते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके मैं बांटने का प्रयास करूंगा कृष्ण की कृपा से, तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है उसका। फिर 1,000 गीता किया, 2,000 गीता किया और 4,00,000 गीता किया, कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण के लिए हमेशा बड़ा सोचना है, तो बड़ा सोचने के लिए हमें बड़ा कार्य भी करना पड़ेगा, उसके लिए उतना प्लानिंग भी करना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में कई भक्त जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, एक बार एक भक्त जो है पंजाब में कहीं गए थे और वहाँ पे जब गए तो जब हरिनाम हो रहा था तो वहाँ पे एक हाथी भी आ गया साथ साथ। प्रोसेशन में कई बार हाथियों को भी ले जाते हैं, नहीं तो एक हाथी भी था वहाँ पे। तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, उसका बच्चा रो रहा था और रोता रोता बोल रहा था कि बोलता है कि पापा मैं बैठना चाहता हूँ, इस हाथी के ऊपर बैठना चाहता हूँ, हाथी के ऊपर बैठना चाहता हूँ। अरे हाथी के ऊपर क्या बैठो, चुप। तो माना नहीं, बहुत रोने लगा, बाल हट है। तो वो सोचने पड़ गया क्या करूं। तो ये भक्त जो खड़े थे, ब्रह्मचारी भक्त जो खड़े थे, उनसे कहा, वो कहा कि आप इनको ऊपर बिठा दो हाथी के ऊपर। मतलब मैं, मतलब हाथी पर ऊपर बिठाना है, हाथी पर ऊपर बिठाने के लिए तो 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको। 100 रुपये, इतना महंगा हाथी पर बैठने के लिए? बोले नहीं नहीं हमें नहीं बिठाना। तो बच्चा फिर रोया, नहीं 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 पापा मुझे बिठा दीजिए, हाथी के ऊपर बिठाइए, हाथी के ऊपर बिठाइए। बहुत रोने लगा और पीछे पड़ गया वो बच्चा। तो ठीक है इसको बिठा लो, आप लो 100 रुपये, बिठा दो उसको हाथी के ऊपर। तो फिर ये भक्त और हाथी को नीचे उतारा, नीचे बिठाया और उस बच्चे को जो है हाथी के ऊपर बिठा दिया। तो जैसे हाथी के ऊपर बिठाया, पैसे भी मिल गए। तो ये भक्त ने क्या किया, उनके पिताजी को, उनके फादर को भगवद गीता दे दी। तो इस तरह से ये इंटेलिजेंस मिलता है भगवान के द्वारा। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं ना, तो क्या है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मापयन्ति। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि रिजल्ट्स क्या मिलने वाला है, हमारे कॉन्टैक्ट्स कम है इसलिए हम लोग पहले अपॉइंटमेंट लेंगे तभी जाएंगे, हमें ट्राई करना पड़ेगा। रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, हमें ट्राई करना पड़ेगा। पुराना से पुराना व्यक्ति भी मना कर सकता है आपको और नया से नया व्यक्ति भी आपसे गीता ले सकता है, अगर हमारे हृदय में सिंसेरिटी है। इसलिए कभी भी हमें पीछे नहीं बैठना है, सोचेंगे हाँ नहीं नहीं आज हमारा शाम को अपॉइंटमेंट है तो हम क्या करेंगे जाके, हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हम उनको जानते नहीं है, बिना रेफरेंस के कैसे मिल सकते हैं। इस प्रकार के assumptions, इस प्रकार के जो
धारणा है हमारे विचार से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए गीता में भगवान बता रहे हैं सेवा करने का हमें केवल अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं। और एक और घटना आपको बताएं, तो एक बार एक व्यक्ति आया मोतीबाग के स्टॉप लाइट में, और वो व्यक्ति गाड़ी रोकी उसने और खुद ही बुलाया उसने भक्त को। उसने कहा कि मुझे ये 5 भगवत गीता दे दो, आपके हाथ में 5 गीता है, सारी की सारी दे दो मुझे, और उसे पैसे भी दे दिए 500 रुपये। उसने कहा कमाल है, आपने मुझे बुला के ही जो है ये 5 गीता खरीद ली, ऐसी क्या बात है। उसने कहा पिछले साल इसी दिन मैं आपसे मिला था और आपने मुझे 1 गीता दी थी, और वो गीता लेके मैं न्यूजीलैंड गया और मैंने वो भगवत गीता पूरी पढ़ी, और भगवत गीता पढ़ने के बाद मैं भक्त बन गया और मैं अब रोज 16 माला का जप करता हूँ। तो इस कारण से मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि और भी लोग इस गीता को पढ़ें और गीता को पढ़ के जो है अपना जीवन सुधारें। तो ये एक घटनाएं, इतनी सारी घटनाएं होती है। और एक और आप बताएं, बहुत सुंदर घटना है, ये अमृतसर की घटना है। एक वहां पे मिले थे कोई व्यक्ति तो वहां पे जो गीता ये गीता लेके जा रहे थे, तो वहां पे इनके पास पंजाबी गीता भी थी, हिंदी गीता भी थी, इंग्लिश गीता भी थी। बोलते आपके पास बहुत सारी बुक्स है, देखो आप एक ही किताब मानते हो, गीता मानते हो, वैरायटी होनी चाहिए आपके पास, बुक्स वैरायटी है। आपको देख रहा हूँ कि बहुत सारी किताबें आपके हाथ में है। बोलते हाँ हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है बुक्स की, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है। वाह कमाल हो गया। तुमने कहा अच्छा कितने की है? बस 100-100 रुपए की है, 300 रुपए की ले लो। तो तीनों की तीनों किताबें उसने ले ली। उसको किसको वैरायटी चाहिए थी, हिंदी में भगवद गीता, इंग्लिश में भगवद गीता और पंजाबी में भगवद गीता, तीनों की तीनों से खरीद ली। बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। और एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति आया और हमारे भक्त को बोला कि भगवद गीता में मुझे ऐसा सेक्शन दिखाओ जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो। तो भक्त ने कहा कि मुझे केवल वही सेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त ने कहा कि अरे पूरी भगवद गीता तो कृष्ण अर्जुन के ही कन्वर्सेशन और क्या है। ये देखिए यहां भी कृष्ण अर्जुन है, यहां भी कृष्ण अर्जुन है, यहां भी कृष्ण अर्जुन है, ये तो पूरा संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत सारा ज्ञान है इसमें, इतना सारा है इसमें कन्वर्सेशन, ठीक है पूरी गीता दे दो मुझे। उसने कहा पहले तो उसने कहा कि मुझे एक पोर्शन चाहिए, मतलब पूरी गीता दे दो, तो गीता उसने ले ली। और इस तरह एक बार कई भक्तों का कई अनुभव एक्सपीरियंस है। तो एक बार क्या हुआ, एक पंजाब में एक घटना है, लुधियाना की बात है। तो एक व्यक्ति आया, उसने भगवद गीता ली और जबरदस्ती क्या किया, भगवद गीता उसने पूरे पैसे नहीं दिए, उसने कहा मैं 50 रुपये दूंगा। ये दूसरी घटना है, वो वाली नहीं घटना है, दूसरी घटना है। और जबरदस्ती 50 रुपये उसने थोप दिए और वहां से चला गया। और उसके बाद कुछ समय के बाद काफी टाइम हो गया और वो व्यक्ति आया, एक व्यक्ति आया, एक सरदार आया। तो जब वापस आया तो उसने कहा कि इस भक्त ने कहा कि आपने 50 रुपये दिए हैं, मुझे 50 रुपये और दो, फिर मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो हम तो स्वयं जो है हमारे पास कुछ पैसा वैसा है नहीं। उसने कहा कि अब मैंने कहाँ आपसे गीता ली, वो तो और कोई होगा। तो फिर के साथ एक और भक्त, उसने कहा कि आप इनको जो है इनसे नाराज मत होइए, वास्तव में आप सब देखने में एक जैसे लगते हैं, आप सब एक जैसे दिखते हैं लेकिन देखने में, तो इसलिए जो है इससे गलती हो गई, आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। तो लेकिन एक बात है, आप लोगों में खूबी है। तो फिर क्या उसने कहें समस्या क्या है, उसने पूछा, सरदार ने पूछा कि समस्या क्या है, कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीछे जो एक व्यक्ति मिला था उसने जो है गीता के सिर्फ 50 रुपये दिए और हम लोगों को तो गीता जो 100 रुपये में देनी है, हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। बस इतनी सी बात है, 50 रुपये के लिए इतना परेशान हो रहे, लो मुझसे ले लो। तो 50 रुपये ले लिए। तो इसने भक्त ने बड़ी तारीफ की, देखिए आपके जो है इस सिख कम्युनिटी में कितना जो है यूनिटी है, एक साथ मिलजुल कर आप लोग सेवा करते हैं, इतनी यूनिटी तो हमारे हिंदू कम्युनिटी में भी नहीं है, तो आपके काफी यूनाइटेड है आप लोग। तो बहुत तारीफ की इसकी, सरदार की बहुत तारीफ की। उसने कहा अच्छा तो जानते हो मैं कौन हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ। इस तरह से बाकी 50 रुपये। तो भक्तों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती है, घटनाओं का जो है अभी हमने बोला सर्वसाक्षी प्रभु के, लास्ट टाइम जो हमारा सेमिनार हुआ था फरीदाबाद में, तो सर्वसाक्षी प्रभु ने रिक्वेस्ट किया है कि बुक पब्लिश करें, कम से कम इतनी मोटी होनी चाहिए किताब, और उस किताब का नाम होना चाहिए क्या, नेक्टर ऑफ संकीर्तन। उसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी। वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, 2015 में प्रोजेक्ट को पूरा करना है उनको। हमने कहा कम से कम उसमें 250-300 से ज्यादा जो है स्टोरीज हो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की, बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया के हैं, उन सब की स्टोरीज में लिखी जाए एक ही किताब में, उसको पढ़ के ही बड़ा आनंद आएगा। जैसे प्रभुपाद नेक्टर है वैसे ही नेक्टर ऑफ संकीर्तन। तो इस तरह बहुत सारी घटनाएं हैं
देखिए तरह तरह की धारणाएं हैं। कई लोग बोलते हैं महाभारत ये भगवद गीता महाभारत का एक अंग है, घर में रखेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो हम उनको क्या बोलते हैं, अगर घर में नहीं रखेंगे तो झगड़ा होगा, क्योंकि जानते हैं ये महाभारत का अंग जरूर है, भीष्म पर्व का एक भाग है। 25वें अध्याय से 42वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन आपको याद रहे, आप भूलेगा नहीं, क्योंकि ये संवाद किसके बीच में है। आपने कहा कि भगवद गीता घर में रखने से झगड़ा हो जाएगा, ये संवाद किसके बीच में है? ये संवाद भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। और गीता के आखिरी श्लोक में संजय क्या कह रहे हैं, गीता के आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. वहां नैतिकता होगी, वहां ऐश्वर्य होगा, और वहां पे अलौकिक शक्ति होगी, वहां नीति होगी, सब कुछ होगा। कहां पर? जहां पर भगवद गीता होगी, जहां पर कृष्ण और अर्जुन होंगे। यानी कि ये सब कहां पर होगा? जहां पे भगवद गीता होगी। कि ये भगवद गीता भगवान कृष्ण से अभिन्न है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि गीता रखने से घर में झगड़ा होगा। अगर गीता नहीं रखेंगे घर में तो क्या होगा? एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर नहीं होगा, अलौकिक शक्ति नहीं होगी, अनीति होगी, नीति नहीं होगी, ऐश्वर्य नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो लेना है कि लेना गीता, बताइए आप। देखिए आप जितना लोगों को उतना ही कन्विंस कर सकते हैं जितना कि खुद कन्विंस। अगर हम खुद ही कन्विंस नहीं है तो दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे, बताइए। एक बार एक डिवोटी ने रिपोर्ट भेजा प्रभुपाद जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, और प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया। प्रभुपाद बड़े खुश हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स सुन के बहुत प्रभुपाद खुश होते थे और तुरंत रिप्लाई करते थे। प्रभुपाद ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में ग्रंथों को बांट रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा, एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज इंटॉक्सिकेशन, ये फैक्ट है। और प्रभुपाद ने एक जगह ये भी लिखा है, 10th कैंटो में 2nd चैप्टर के टेक्स्ट 38 के परपोर्ट में लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में दिस इज समाधि। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं वास्तव में समाधि में होते हैं। हम देखते हैं भक्तों के कैसे गाड़ियों के बीच में निकलते निकलते धुआं खाते हुए, और ये भी नहीं देखते कि पीछे से बस आ रही है या कोई और गाड़ी आ रही है। भक्त लोग लगे रहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तत्पर रहते हैं। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं भक्तों के, और हम लोग हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं आज बाइबल बांट रहे हैं, पिछले ओलंपिक्स में चाइना में लगभग 1 करोड़ बाइबल उन्होंने बांटे फ्री ऑफ कॉस्ट। जानते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है उन्होंने 1 करोड़ से अधिक। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा, अगर आप बाइबल नहीं बांटे देंगे तो ओलंपिक्स बॉयकॉट करेंगे हमारे एथलीट्स जितने भी है यूरोप और अमेरिका के साथ। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है मजबूर हो गए, उन्होंने कहा ठीक है बाइबल बांटिए आप। तो इस तरह की यूनिटी, इस तरह का जब स्ट्रेंथ होगा ग्रंथों के प्रचार के लिए, इस धर्म के प्रचार के लिए, कृष्ण भावना के प्रचार के लिए, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अभी तक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा 1969 से कह लीजिए आज तक जो है 50 करोड़ से अधिक ग्रंथ बांट चुके हैं, और हर 7 सेकेंड में every 7 seconds प्रभुपाद जी कोई ना कोई किताब किसी के हाथ में जा रही है। और एक और घटना आपको बताएं, ये mid-80s की बात है। एक भक्त जो है उसका बिजनेस साबला, और रात को जो है रोज वो ड्रिंक करके आता था, बहुत भक्त नहीं था समय तो रात को वो बहुत ड्रिंक करके आते थे और घर वाले बहुत परेशान रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका बिजनेस भी खराब हो गया, बिजनेस ठप हो गया और कोई प्रॉफिट नहीं, लॉस ही लॉस हो रहा था। तो यहां तक बात आ गई कि फैक्ट्री उनको बेचना पड़ गया, और फैक्ट्री में वो सफाई करवा रहे थे, रैक्स की सफाई करवा रहे थे, सामान को ट्रांसफर कर रहे थे। एक्चुअली उनको एक किताब मिली, और ये किताब उनको किसने दी थी, जब वो ग्रेटर क्लास टेम्पल गए थे वहां एक भक्त जबरदस्ती पकड़ाया था बुक मैराथन के टाइम में, जिसको हम कहते हैं जबरदस्ती पकड़ाना। कई बार बोलते ना कि जबरदस्ती मुझे दी गई किताब, हम लेना नहीं चाहते, हमें फोर्स किया गया। तो देखिए कई बार फोर्स करने का क्या परिणाम होता है, आप देखिए। तो ये उन्होंने कहा ठीक है, उनका उद्देश्य और कुछ था, उनका उद्देश्य को और कुछ था उस गेट ग्लास टेम्पल में जाने का। उनके उद्देश्य ये था कि यहाँ पर अमेरिकन गर्ल्स बहुत आते हैं, यूरोपियन गर्ल्स बहुत आते हैं, तो इस उद्देश्य से जो है वो गेट ग्लास टेम्पल गए। लेकिन किसी भक्त ने जबरदस्ती किताब पकड़ा दिया, और किताब ली उन्होंने पढ़ी नहीं, और कहाँ रख दिया, अपने फैक्ट्री में एक रैक में रख दिया। और जब बिजनेस का खत्म होने लगा, बिजनेस जब ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गया, तो जब वो रैक सफाई कर रहे थे तो वही किताब उनको मिली, और किताब जब खोली उस किताब में प्रभुपाद जी लिखते, सबसे पहले नजर उस स्टेटमेंट में पड़ी उनकी, दिस बुक्स आर लाइक ए टाइम बॉम्ब, एनी टाइम इट कैन एक्सप्लोड। और उन्होंने, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस किताब को पढ़ना शुरू किया,
और उसके वो किताब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, वो भक्त बन गए और उन्हें शराब पीना छोड़ दिया। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल है, इट्स अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका यूरोप में कमाल हो रहा है, इंडिया में भी कमाल हो रहा है और हर घर में कमाल हो रहा है। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब भक्तों की। प्रभुपाद ने बहुत कठिनाई से, बहुत तपस्या से इन ग्रंथों को लिखा है, क्योंकि ये कंपैशन है, ये करुणा है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि जब हम प्रचार नहीं करते हैं, दिस इज ऑल्सो वायलेंस, ये हिंसा है। तो अगर भक्त नहीं संदेश देंगे, भक्त अगर प्रचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक उन्होंने लीला की पृथ्वी में, और 48 सालों में 36 साल उन्होंने संकीर्तन किया। कितना? फॉर 36 ईयर्स। आखिरी 12 साल ही वो गंभीरा में निर्जन भजन में लगे थे रामन राय और स्वरूप दामोदर के साथ। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु रामन राय को बता रहे हैं कि वास्तव में इस प्रोसेस को परफेक्शन तक ले जाने का सबसे उत्तम तरीका है ये संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में ये बात बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के लाइव एग्जाम्पल से देख सकते, जो कहते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु के खुद के जीवन से देखना चाहिए, क्योंकि जब उनको प्रचार करने के लिए वो उद्धृत हुए, यानी कि प्रचार करने के लिए इंस्पायर हुए, जब उन्होंने देखा कि वास्तव में सब उनकी बुराई कर रहे हैं, नवद्वीप में ब्राह्मण लोग उनकी भर्सना कर रहे हैं, कि निवाय अपने आप को सोचता क्या है, ये बहुत बड़ा ब्राह्मण है क्या, हम भी तो ब्राह्मण है, गोपी गोपी करता है, कृष्ण का नाम नहीं लेता है। तो चैतन्य महापुरुष देखा कि ये सब अपराध कर रहे हैं, अगर ये अपराध करेंगे तो कभी मेरा प्रीचिंग मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो चैतन्य महापुरुष ने क्या किया, प्रचार के लिए संन्यास आश्रम स्वीकार किया। चैतन्य महापुरुष संन्यास आश्रम स्वीकार किया क्यों? प्रीचिंग के लिए स्वीकार किया। चैतन्य महापुरुष चाहते तो निर्जन भजन में चले जाते कि बहुत हो गया, ये बहुत अपराध कर रहे हैं, मैं सॉलिटरी रिफाइनमेंट ले रहा हूं, वहां जाके निर्जन भजन करूंगा। नहीं, चैतन्य महापुरुष संकीर्तन का आंदोलन फैलाने के लिए संन्यास आश्रम में प्रवेश किया, और 48 साल में लगभग 36 साल चैतन्य महापुरुष पूरे भारतवर्ष में संकीर्तन करते रहे। दिस इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल। ये सबसे बड़ा उदाहरण है, चैतन्य महापुरुष स्वयं उसके उदाहरण। और हम चैतन्य महापुरुष का अगर अनुयायी है, तो श्रील प्रभुपाद इसलिए पूछा कि चैतन्य महाप्रभु विदेशों में क्यों नहीं गए, भारतवर्ष से बाहर क्यों नहीं गए। प्रभुपाद ने तुरंत आंसर दिया मॉर्निंग वॉक में। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मुझे श्रेय देना चाहते थे। प्रभुपाद ने एक क्षण नहीं विचार किया, प्रभुपाद ने तुरंत आंसर दिया कि चैतन्य महाप्रभु उनको एक श्रेय देना चाहते थे। एक बार की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो भारी मात्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और प्रभुपाद जी को लेटर में लिखा था कि यू आर द इनकार्नेशन ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उनका नाम था त्रिपुरारी स्वामी। तो जहाँ एक समय की बात है जब वो संन्यास लेने के, उन्होंने रामेश्वर स्वामी को अप्रोच किया कि रामेश्वर स्वामी उनके संकीर्तन लीडर थे, तो रामेश्वर स्वामी ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि त्रिपुरारी स्वामी जो है, त्रिपुरारी ब्रह्मचारी, ये बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी भारी तादाद में बुक्स बांटते हैं। तो प्रभुपाद बहुत खुश है, प्रभुपाद ने बहुत ब्लेस किया। फिर उन्होंने लिखा कि प्रभुपाद लेकिन ये संन्यास लेना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अभी उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि अभी बहुत अधिक मात्रा में ग्रंथ बांट रहा है, क्योंकि इस अवस्था में, इस आश्रम में रहकर जो बोल सकता है, जिस तरह से वो ग्रंथ बांट सकता है, शायद वो संन्यास आश्रम में ना कर पाए। तो प्रभुपाद ने उस समय, बाद में तो दिया उनको, लेकिन प्रभुपाद ने उस समय उनको संन्यास नहीं दिया। प्रभुपाद ने उनको संन्यास उस समय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इस कारण से नहीं दिया क्योंकि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भी क्या है, प्रचार है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया और श्री प्रभुपाद जी ने दिखाया। प्रचार के लिए प्रभुपाद ने कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। आपको एक एग्जांपल बताएंगे प्रीचिंग के बारे में। आपको इसको ग्रांटेड मत लीजिएगा और उसको अपने साथ इम्बाई भी मत करिए कि हाँ यही रूल है, ये एक्सेप्शन है, और ये तब हो सकता है जब कोई पावरफुल आचार्य इस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन दे। तो एक बार की बात है, श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, वो एकादशी का दिन था और ये उनकी बात है जब वो उन्होंने मठ चलाया, गौड़े मठ चलाया था, 1930s की बात। प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक में सुना है, क्योंकि प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा एकादशी के दिन वी शुड जस्ट चैंट होल डे, दैट्स ऑल। हमें और कोई हमारे पास और कोई एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने। लेकिन फिर तवाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूछते लेकिन प्रभुपाद, लेकिन कोई प्रीचिंग अगर जाता है, प्रभुपाद कहते हो प्रीचर इज ग्लोरियस, प्रीचर इज वेरी एग्जॉल्टेड, प्रचार के लिए आप, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो फिर प्रभुपाद ने बताया कि ऐसे ही हुआ कि हमारे गुरु महाराज के टाइम में एक भक्त थे जिनका नाम था हाईग्रीव ब्रह्मचारी।
और वो बहुत बीमार से पड़ गए थे क्योंकि एकादशी के दिन वो कुछ खा नहीं रहे थे और उनका एक बहुत बड़े प्रीचिंग एंगेजमेंट में जाना था। तो कुछ भक्तों ने आके बताया कि गुरुदेव वो प्रचार में नहीं जा पा रहे क्योंकि बहुत वीक फील कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीचिंग एंगेजमेंट है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या जानते बोला, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला लेट हिम टेक रेगुलर मील्स बट प्रीचिंग मस्ट नॉट स्टॉप। उनको कहा कि रेगुलर प्रसाद उनको ले रहे दो लेकिन प्रचार बंद नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन बोला है भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर ने, ऐसा प्रभुपाद बता रहे मॉर्निंग वॉक में। तो कहने का अर्थ है कि प्रचार इज सो इंपॉर्टेंट। यहां तक भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि जो यूरोप से जो ब्रिटिशर्स हैं अगर उनको हमें नॉन वेज के लिए भी इन्वाइट करना पड़े तो इन्वाइट करो लेकिन प्रचार बंद नहीं होना चाहिए। प्रीचिंग इज सो इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब है प्रचार इतना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं उस टाइम एमरजेंसी था, प्रभुपाद जी के पास केवल 11 साल थे। एमरजेंसी हमेशा रहेगा कलयुग में, याद रखिएगा। अगले 4,27,000 साल तक के लिए क्या है, एमरजेंसी लग चुका है। और ये 10,000 साल जो है गोल्डन एज है और इसमें जो है एमरजेंसी ही एमरजेंसी है। अगर आज हम युवा पीढ़ियों को नहीं बचाएंगे, आज के युवा पीढ़ियों को हम नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से प्रीचिंग का जो स्पिरिट है हमारे आचार्यों के पास जो था वो प्रीचिंग स्पिरिट हमारे पास होना चाहिए क्योंकि संकीर्तन हमारा लाइफ है, संकीर्तन ही हमारा भजन है और कोई भजन नहीं है और कोई भजन का प्रोसेस नहीं है। कलयुग में संकीर्तन ही सबसे पावरफुल भजन है और इसको हम अवॉइड करते हैं तो वी आर इन बिग 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 इल्यूजन। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी, जितने बाकी यहां बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे ऑनलाइन में सुन रहे हैं उनसे भी ये प्रार्थना कर रहे हैं हम कि आप जहां कहीं भी हैं और यहां पर भी हैं तो ये मत भूलेगा कि प्रीचिंग हमारा लाइफ है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे वॉट प्राण आछे तार सही होते प्रचार, जो प्रचार नहीं कर रहा है वो व्यक्ति मरा हुआ है, ही इज डेड। तो इसलिए हम लोगों को जो है ग्रंथों को बांटने के लिए भरपूर प्रयास करना है और जितना हम प्रयास करेंगे ग्रंथों को बांटने के लिए हमें 100% श्रील प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी। प्रभुपाद रियली ब्लेस करेंगे और सभी जितने भी आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमें ब्लेस करेंगे। किसी और प्रणाली की, किसी और प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल क्या करना है, गुरु परंपरा को खुश करना है, देन ऑल परफेक्शन इज देयर। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। तो और हमारे भक्त कई जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कई लोग मॉल्स में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कई लोग कॉर्पोरेट प्रीचिंग में लगे हैं, कॉर्पोरेट बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं सड़कों में 1-to-1 जा रहे हैं, स्टॉप लाइट्स में जा रहे हैं। डेली हमारे जो PBT के डिवोटीज हैं वो डेली जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग एरियाज में। सुंदर माधव प्रभु का टीम है वो भी बहुत ही जो बहुत अच्छा ग्रो कर गए हैं वो भी, और बहुत जल्दी उनका शुरू होने वाला है संकीर्तन का पूरा टीम और उनकी भी अपनी एक बस स्टार्ट होने वाली है, फुल फ्लेज बस है ऑलरेडी इनके पास। तो इस तरह से हमें और संकीर्तन लीडर्स की आवश्यकता है जो वास्तव में क्या करें, कॉम्पिटिशन में लग जाएं, क्योंकि अभी तो मधुसुंदर प्रोग्राम मोनोपोली चल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हम चाहते हैं क्योंकि भविष्य की तैयारी करनी है। अब मधुसुंदर प्रोग्राम भी कब तक करेंगे, उनके भी फिजिकल लिमिटेशंस हैं, राइट। तो इसलिए क्या है कि हमें और भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की आवश्यकता है और इसके लिए वैकेंसी वैकेंसी है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, वैकेंसी से भरा हुआ है ये। तो कई बार होता है कि लगता है कि नहीं 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 जॉब के लिए कोई वैकेंसी नहीं है या अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि इसमें वैकेंसी वैकेंसी है। 10 नहीं तो 20 बसेस कर देंगे, 20 नहीं तो 30 बसेस कर देंगे, 30 नहीं तो 100 बसेस कर देंगे, बसेस की भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सेना की आवश्यकता है, योद्धाओं की आवश्यकता है, अगर संकीर्तन सेना ही नहीं हुआ तो युद्ध कैसे करेंगे हम। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि जोर शोर से लगे रहिए ग्रंथों को बांटने में, आप सब उत्साहित रहिए, बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स की कोई कमी नहीं है, बुक्स कम भी पड़ जाएगा तो और छपवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सब प्रयास करिए और उत्साहित होकर बाहर जाइए, बहुत हमारे पास अभी भी समय, अभी तो क्या है 7 तारीख हुआ है सर, है ना, 7 तारीख हमारे पास अभी 3.5 लाख हिंदी भगवद गीता है जिसमें काफ़ी गीता जा चुकी है अभी, और उसके बाद करीब 20,000 से ऊपर इंग्लिश गीता तो खत्म हो गई हमारी ऑलमोस्ट, इंग्लिश गीता स्टॉक में नहीं है अभी, बॉम्बे ब्यूटी के पास भी नहीं है अभी, और कहीं से पता कर रहे हैं इंग्लिश गीता कैसे आएगी। फिर कृष्णा बुक्स भी है, भागवतम का सेट्स भी है, कल गुणभद्र प्रभु को भी एक ऑर्डर मिला है भागवतम सेट्स का, और भागवतम सेट्स भी हमारे पास सारी खत्म हो जाएंगे। तो लगभग 4 लाख किताबें टोटल हमारे पास हैं या कुछ उसमें से थोड़ा कम है। तो आप सबको निकालना है ये बुक्स, निकालना 31 दिसंबर तक ये सारी किताबें निकालनी है आपको, ठीक है। तो आप में से कितने भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं अभी, हाथ खड़ा करिए।
वेरी गुड. आप में से कितने भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी इस महीने? सिंसियरली बताइए, हाथ खड़ा करिए. सिंसियरली नहीं कर रहे हैं जो तो जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज लग जाइए, अभी भी समय है. बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए. और यहां पर देखिए प्रभुपाद जी का एक इंस्ट्रक्शन है. अच्छा, यहां पर ये लिख रहे हैं कि जितने भी मंदिर के भक्तगण हैं और इस प्रवचन के बाद, क्लास के बाद, नीलाचल धाम हमारा बेस है संतनगर बिल्डिंग, जहाँ पे एक ओपनिंग हो रहा है, वहाँ पे शायद एडिशनल फ्लोर्स बनाए गए हैं भक्तों के रहने के लिए. तो वो ओपनिंग है, इस क्लास के बाद हम सब वहाँ जाएं और बहुत अच्छा वहाँ पे इनॉग्रेशन होगा. हाँ, टेम्पल ब्रह्मचारी सोनी टेम्पल डिवोटीज के लिए सिर्फ है ये, और महाराज जी के हाथ के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा. तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हमारे पास आ रही है, प्रसादम भी वही है, टेम्पल के डिवोटीज के लिए प्रसादम वहाँ पे है. तो कई बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग हमने यहाँ पे भी खरीदी है घड़ी में पीछे, तो ये सारी संकीर्तन बिल्डिंग ही है, चिंता मत करिए. ये घड़ी में एक बिल्डिंग हमने ले ली है और संत नगर में वहां एक बिल्डिंग है, और आप आएंगे तो और बिल्डिंग खरीद लेंगे, चिंता मत करिए आप. आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन केवल बढ़ाते जाइए, आप देखेंगे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको और बसेस ही बसेस मिलेंगी, और उसके साथ ऑफकोर्स प्रसादम भी होगा. ठीक है, हरे कृष्ण. किसी को कुछ कहना है? माइक हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. तो आज का जो श्लोक है वो बहुत ही दिव्य श्लोक है, बड़ा दिव्य संदेश है. इसमें बताया गया दैवेन विहता, तो देव के द्वारा जो विहत हैं. हत का मतलब होता है मारा गया, हता यानी बहुवचन में मारे गए, और वी का मतलब है विशेष रूप से मारे गए. किसके द्वारा? देव के द्वारा. देव का मतलब है दुर्भाग्य, कभी कभी दुर्दैव बोलते हैं. जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते दुर्दैवम ई दृश्यमे हा जनिनानुरागा, कि दुर्भाग्य, दुर्दैव, मेरा ऐसा दुर्दैव है, मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं है. इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया दैवेन विहता, दुर्भाग्य के द्वारा वे मारे गए हैं, है ना, मतलब बुरी तरह से मारे गए हैं. क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा रूपी अमृत को छोड़ करके और वे जो है असत गाथा को सुनते हैं, जो व्यर्थ की चर्चाएं उनको सुनते हैं, और वे कैसे हैं? विटभुजा यानी मल खाने वाले सुअर की तरह हैं, या कौवे भी कहते हैं, कौवे भी मल खाते हैं, तो कौवे की तरह हैं ये. और मोती छोड़ करके हंस मोती चुकता है और जो कौवे हैं वो मल खाते हैं. तो ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, ये कौओं को हंस बनाने का है. प्रभुपाद से जब किसी ने पूछा कि आपने क्या जादू किया, क्योंकि बहुत से जो साधु संत महात्मा होते हैं वो जादू दिखाते हैं, तो आपने क्या जादू किया? तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा तो केवल एक ही जादू है कि मैंने कौओं को हंस बनाया है. तो कौवे हैं, लोग कौवे हैं, इसलिए असत गाथा जो बेकार के उपन्यास हैं, बेकार की किताबें हैं, वो पढ़ते हैं, है ना. और ये प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं ये मोती के समान हैं. तो ये जो आंदोलन है ये क्या है? लोगों को जबरदस्ती कौओं से हंस बना रहा है. तो वैसे कौवे को हंस नहीं बनाया जा सकता, नहीं, इस आंदोलन में जो है ये कार्य होता है, और जो भक्त लोग हैं वो फोर्स करते हैं. तो प्रभु जी ने बताया ना कि मतलब बल प्रयोग भी अगर किया जाता है तो ये उनके लाभ के लिए होता है, और आगे चलकर के उनको जो है महसूस होता है कि उनका जो है कितना बड़ा लाभ हुआ है. तो ये आंदोलन इसी प्रकार का है. तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग जो है किसी भी प्रकार से लोगों को जो है पुस्तक पहुंचाइए. हरे कृष्णा, हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने संकीर्तन को प्रेरित किया. आप वो कह रहे थे कि संकीर्तन स्टोरीज की कोई किताब बनाई जाए, तो 1996 में प्रभुपाद के सेंटिनल में बीबीटी ने एक बुक पब्लिश की है, द नेक्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन. अगर अभी तो आउट ऑफ प्रिंट है लेकिन कुछ कॉपीज हैं, इतनी अमेजिंग है इसकी किताब है. और उसमें एक छोटी सी स्टोरी प्रभुपाद जी की मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 1975 में अटलांटा में सैकड़ों संकीर्तन के डिवोटीज इकट्ठे हुए और प्रभुपाद से पूछा. किसने पूछा? सुभाष प्रभु, जो कि अमेरिका के बीबीटी के ट्रस्टी हैं और पूरे अमेरिका में उन्होंने बहुत बुक्स रजिस्टर की हैं.
सुभाष जी ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद हाउ कैन वी बिकम एम्पावर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स। प्रभुपाद जी ने सुना और कुछ मिनट बिल्कुल चुप रहे, फिर कहते हैं सो यू वॉन्ट टू बिकम एम्पावर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। फिर दो मिनट तक कुछ नहीं बोला, पिन ड्रॉप साइलेंस। फाइनली प्रभुपाद सेड इफ यू वॉन्ट टू बिकम एम्पावर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स you start chanting and do not stop till you finish your 16 rounds. If you can control your mind for these 2 hours in the morning, for rest of the day Krishna will empower you. Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Bahut bahut dhanyawad Mohan Rupa Prabhu, to khud bhi bahut top book distributor hain aur bahut acha prayas kar rahe hain. Aap log bahut der se 1 ghante se pravachan sun rahe hain. अगर 1 घंटे तक आपने कोई विशेष कार्य किया होता तो बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। तो इसकी परीक्षा यह है कि यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, अभी कितने दिन बाकी हैं, 23 दिन बाकी है, 7 दिन खत्म हुए ना, 24 दिन, वैसे तो ये बढ़ा देंगे तो 7 जनवरी तक चल जाएगा, 1 महीने बाकी है। तो 1 महीने में इसमें से कितने लोग हैं जो 1000 गीता कर सकते हैं, हाथ उठाइए। 1000, अरे इतना कम क्या भाई, एकदम 1 घंटा प्रवचन इनका पानी में चला गया फिर तो। अरे 1 घंटे से कथा सुन रहे हो, भगवान के सामने बैठे हो, और ये महीना भी गीता जयंती का है, और 1 महीना आप पूरा ले लीजिए। 1 महीने में 1000 गीता नहीं बांट सकते क्यों भाई? अच्छा ठीक है, कम से कम 500 गीता कितने लोग कर सकते हैं? जो 1000 उठाए वो मत दोबारा उठाओ भाई, आप तो 1000 के लिए बोले थे। और कितने लोग हैं जो 300 गीता कर सकते हैं? 1 महीने में 10 गीता ए डे 300 हो जाए, कितने लोग? बहुत बहुत, अभी बहुत शक्ति चाहिए इन लोगों। तो ये तो रामप्रसाद सर जी ने जो कहा, या तो 16 माला का जप नहीं करते या तो प्रभुपाद जी की प्रेरणा नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 10 गीता प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूट अगर आप करोगे तब तो आपको प्रसाद खाने का अधिकार नहीं है, नहीं तो प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 10 गीता प्रतिदिन के साथ आज आप ये प्रतिज्ञा लेकर आधा पार साथी से जाओ, और वो गीता जब आप जमा कराओ तो ये बता देना कि हम लोग 7 तारीख को प्रतिज्ञा लिए थे कि 10 गीता पर डे ज्वाइन कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो बुक है प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत एक तो आप तो पूरा पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है। इसको समझ लीजिए, इतना ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए जितना कि आप 16 माला का जप। और उसमें जो खासकर जो सेक्शन है प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, ये जो चैप्टर है जानते हैं ना, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट बुक्स नहीं, पुस्तक वितरण कीजिए। तो ये जो चैप्टर है ये प्लीज़ आप पढ़िएगा, रोज़ पढ़िए, कम से कम मैराथन के टाइम में ये चैप्टर आप रोज़ पढ़िए, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद की जो सेक्शन है प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, तो ये सेक्शन आप ये चैप्टर जरूर पढ़िए। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि टारगेट लेके चलिए, रोज कम से कम इतना सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे तो कुछ होगा ना। अभी हम टारगेट ही नहीं रहेगा हमारे पास कि कितना बुक्स बांटना है तो कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ टारगेट लीजिए, हाँ मुझे आज कम से कम 50 बुक्स बांटनी है, 100 भगवद गीता बांटनी है, तो इस तरह से आप टारगेट लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज द्वारका में हिजूर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रवचन होगा द्वारका टेम्पल में आज दोपहर में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। एक बार फिर सूचना देना चाहते हैं कि मंदिर के निवासी भक्तों के लिए, मंदिर के निवासी भक्तों के लिए सूचना है कि नीलाचल धाम बेस में ब्रह्मचार्य आश्रम का नया हिस्सा जो है उसका उद्घाटन होने वाला है। आप सबसे अनुरोध है कि 9:30 के पहले वहाँ पहुँच जाएँ, वहीं पर मंदिर के निवासी भक्तों के लिए प्रसाद होगा। हरे कृष्णा।